जुदानी माता का ये खूबसूरत सा दरबार और यहाँ आने जाने वाले भक्तों की श्रद्धा और वहाँ पे खाने के लिए इतने लाजवाब छोले और समोसे और इन पहाड़ों पर पहुँचने की इतनी प्यारी सी खुशी इन छोटे छोटे बच्चों को देख के, वहाँ का खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारा कल्चर, इन पहाड़ों के बीच चढ़ के ये खूबसूरत सा नज़ारा देख के बहुत ही अच्छा लगता है और लोगों में जुदानी माता के प्रति विश्वास। सुबह सुबह अपने घर से निकल के गोरेगांव स्टेशन पहुंच जाता हूं और वहां से होते हुए टिकट काउंटर के पास पहुंच जाता हूं। लंबी लाइन से गुजरने के बाद विरार के लिए रिटर्न टिकट कटवा लेता हूं और फिर प्लेटफॉर्म पे निकल पड़ता हूं। जीवधानी माता के मंदिर जाने का खुशी बहुत ही अधिक था। प्लेटफॉर्म पे खड़े होके काफी समय से ट्रेन का वेट करने के बाद भी ट्रेन नहीं मिला और जब ट्रेन आई तो इतनी गर्दी, इसलिए मैं गोरेगांव से बोरीवली के लिए ट्रेन पकड़ूंगा क्योंकि बोरीवली से विरार के लिए ट्रेन बन के जाती है। फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन वहाँ से बन के जाती है और जो दादर से ट्रेन आती है चर्च गेट के माध्यम से वहाँ से फास्ट मिलती है और बहुत भीड़ रहता है, इसलिए मैं विरार जाने के लिए पहले तो मैं गोरेगांव से बोरीवली जाऊँगा और वहाँ से बनती हुई ट्रेन जो कि विरार जाएगी। बिना समय गवाए मैं तुरंत बोरीवली के लिए ट्रेन में चढ़ जाता हूँ और हमारा गोरेगांव से बोरीवली जाने का सफ़र चालू हो जाता है। सुबह सुबह भी ट्रेन में इतना भीड़, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं, फिर भी लोग एक दूसरे को धक्का मारते हुए अपने काम पे पहुँच ही जाते हैं। पूरे आधे घंटे के सफर को तय करने के बाद फाइनली मैं बोरीवली पहुंच ही जाता हूं। वहां से विरार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए निकल पड़ता हूं। इतनी भीड़ देख के हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई और अंदर से डर लगने लगा, पूरा तो ट्रेन खाली हो जाएगा। बिना समय गवाए इस विरार जाने वाली ट्रेन में जाके मैं तुरंत ही बैठ जाता हूँ। इतना रोमांचक भरा सफ़र देख के ऐसा लग रहा है मानो मैं काफ़ी दूर निकल चुका हूँ। इस खाड़ी को पार करते हुए ट्रेन का इतना अधिक रफ्तार, स्टेशन नज़दीक आते ही लोगों की इकट्ठा होती हुई ये भीड़, सभी लोग अपने सीट से खड़े होकर बाहर की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि स्टेशन आने वाला है और काफ़ी भीड़ हो जाता है। इतनी मेहनत के बाद मैं विरार स्टेशन पहुंच ही जाता हूं। विरार स्टेशन पहुंचने के बाद चालू हो जाएगा हमारे आगे का सफ़र। ट्रेन से उतरते ही स्टेशन के बाहर जाने के लिए मैं अंडरग्राउंड ब्रिज का सहारा लेता हूँ। बाहर निकलते ही शेयरिंग रिक्शा पकड़ लेता हूँ जो कि चार्ज करती है मात्र 20 रुपये और हमें जुधानी माता मंदिर के ठीक सामने उतार देगी। चप्पल निकाल लो भाई, सीढ़ी से जा रहे हैं ना।
रिक्शे वाले भाई को रिक्शे का किराया देके मैं जीवधानी माता मंदिर जाने के लिए निकल पड़ता हूँ। मंदिर के अंदर जाने से पहले अपने चप्पल को एक दुकान पे निकाल देता हूँ और वहाँ से प्रसाद लेके मैं आगे की तरफ निकल पड़ता हूँ। यहाँ पे आपको लाइन से दुकान मिल जाएगी। मंदिर के अंदर जाने के लिए जो भी हार फूल प्रसाद लगता है सब आपको मिल जाएगा। लाइन से पूरा वही दुकान है और खाने पीने का व्यवस्था भी है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में एक ऐसा मंदिर जिन्हें बनाया था पांडवों ने, लोगों का ऐसा कहना है और बहुत पुरानी ये मान्यता चली आ रही है कि जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से इस माता के सामने माथा टेकता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं आ चुका हूँ फिर से एक नए सफर और एक नए जगह पे। मैं आज आया हूँ जीवधानी माता मंदिर। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को और मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसा सफ़र रहा और कैसा नज़ारा रहा, हमको कितना अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। माता का यह मंदिर 17वीं सदी में बना था। महाराष्ट्र में थाने के विरार में स्थित है यह जीवधानी माता का मंदिर। यह मंदिर एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थित है। यह मंदिर अपने भक्तों के बीच यहाँ के दिखाए गए जीवधानी माता के चमत्कारों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से इस मंदिर में आते हैं, मन्नत भी मांगते हैं और पूरा होने के बाद इस मंदिर का दर्शन भी करते हैं। आज तक कोई भी मन्नत इस दरबार में खाली नहीं गया। मंदिर के अंदर एंट्री करते ही आपकी पूरी तरीके से चेकिंग करेंगे और जीवधानी माता के मंदिर का शुरुआत आप एंट्री करते ही गणपति बाप्पा का दर्शन करने मिलेगा। लोग यहाँ इस मंदिर में देश के कोने कोने से आते हैं और अपने दुखों की दुआओं को यहाँ मांगते हैं। आज हम आपको इस माता के इस मंदिर की कुछ खास और अनसुनी बातें बताएंगे। पुराणों के अनुसार इस मंदिर को पांडवों ने अपने वनवास के समय बनवाया था। उन्होंने सतपुड़ा पर्वत में एक वीरा माता को एक गुफा में स्थापना की थी। यह पूरा मंदिर एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे है। इसकी सीढ़ी भी बहुत ही ऊंची ऊंची है और 1400 से प्लस सीढ़ी है। जगह जगह पे आपको माता जी के दर्शन और प्रसाद के लिए दुकानें दिख जाएगी। अगर आप थक गए तो आराम करने के लिए भी जगह मिल जाएंगे। फाइनली दोस्तों 10 सीढ़ी कंप्लीट हो चुका है। ये 220 सीढ़ी कंप्लीट हो गया। ये सभी लोग जीवधानी माता का दर्शन करके आ चुके हैं, जो इस साइड से आपको दिख रहे गेट के उस पार से, और इधर से जो लोग अभी जा रहे दर्शन करने के लिए। लिया बाबू, लिया लिया। आपको पहाड़ के बीचों बीच इस रास्ते को काट के रोड बनाया गया है ताकि लोग मंदिर पे आसानी से जा सके। अगर कोई बुजुर्ग है और जीवधानी माता का बुलावा आया है तो वो भी आ सकता है। यहाँ पे ट्रेन भी चलती है जो बुजुर्ग लोगों को सीधा माता के दर्शन करवाती है।
काफ़ी समय से चल चल के हालत ख़राब हो चुका है, फिर भी अभी तक आधा सीढ़ी भी पार नहीं हुआ है। जिनके मन में जुधानी माता के प्रति मिलने की और उनके दर्शन करने की श्रद्धा होती है, वो इन थकावटों से दूर हटके इस मंदिर के ऊपर इन सीढ़ियों को चढ़ के पहुँच ही जाते हैं। इन छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को देख के मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ और उनके साथ कुछ समय तक खेलने लगता हूँ और खेल के फिर आगे निकल पड़ता हूँ। फाइनली हम लोग आधा से अधिक सीढ़ी पहुंच गए। आधा से अधिक सीढ़ी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मंदिर बहुत ही नज़दीक होगा। आपको ये पूरा मंदिर पहाड़ पे ही दिखाई देगा और आपको बता दूं कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर मंदिर का वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, उसके बाहर का आपको सब वीडियो दिखाऊंगा। ऐसा रहता तो कोई आता ही नहीं फिर। मंदिर के बाहर चारों तरफ कांच के मोटे मोटे ग्लास लगाए हैं, उनके अंदर से आप मंदिर के बाहर का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया आपको साफ दिखाई देगी। दोस्तों हम लोग जुदानी सीढ़ी फाइनली पहुंच चुके हैं एकदम ऊपर मंदिर की तरफ और मैं आपको मंदिर का दर्शन कराता हूं। चलिए मंजुधानी देवी का दर्शन करने के बाद ऊपर की तरफ आते ही आपको बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर का दर्शन करने मिलेगा। यहाँ के लोगों का और बहुत पुराना चला आ रहा यह कल्चर, लोगों का मानना है कि सिक्का चिपकने से उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है। यहाँ पे आके हर एक देवी देवताओं का दर्शन करने के बाद जोरों से भूख भी लगता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा है कि आपको कम कीमत में यहाँ पे प्रसाद के रूप में आपको बहुत सारी चीज़ खाने के लिए मिल जाएगी। जोरों से भूख लगने की वजह से मैं भी इस लाइन में लग जाता हूँ
और सिर्फ 10 रुपये में इडली लेके उसे खाने के लिए निकल पड़ता हूँ। सभी लोग मंदिर में ही भगवान के इस प्रसाद को भी खाने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। हाँ, ना तो कोई किसी के साथ भेदभाव करता है और ना ही कोई इसे कुछ ही देर में आरती भी चालू हो जाती है और सभी लोग वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। मंदिर में मिले इस प्रसाद को लेके मैं बाहर के तरफ निकल पड़ता हूँ। यहाँ से आपको पूरी दुनिया का नज़ारा दिखाऊंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। ये मंदिर और उसमें लगी हुई ये प्रतिमा अपने आप में एक रहस्य है। इस मंदिर के ऊपर इस चट्टान से आपको बड़ी बड़ी विशालकाय इमारतें भी मुंगी के समान दिखाई देती होंगी। भगवान शिव आदि शक्ति के शरीर को लेकर जा रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में विभाजित कर दिए थे। अब हम मंदिर के बाहर की तरफ निकलते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। जुदानी माता का दर्शन हो चुका है, अभी हम लोग ये बाहर निकलने का रास्ता इधर से निकल के हम लोग सीधा अब बाहर की तरफ निकलेंगे और नीचे उतर के अपना चप्पल उप्पल पहन के घर की तरफ निकल पड़ेंगे। ये देखिए, चलिए आगे की तरफ चलते, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाहर जाने का रास्ता है, हम लोगों को काफ़ी लेट हो चुका है। सब लोग, बहुत लोग अभी मंदिर में हैं और काफ़ी लोग निकल चुके हैं। ये देखिए, पूरा बाहर जाने का रास्ता है पीछे के साइड से। आइए दोस्तों, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, वो पहाड़ देखिए, वो पहाड़ से होते हुए ये पूरा पूरी पूरी आपको दुनिया पूरा मुंबई नज़र आता रहेगा इतनी ऊंचाई पे। हेलो दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं घर के तरफ, दर्शन करके हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग निकलते हैं घर के तरफ। ऊपर खाया हुआ खाना अभी तक तो पूरा हजम भी हो चुका है, तो चलिए किधर जाके कुछ खाया जाए। यहाँ का इतना लाजवाब समोसा और उसके अंदर छोला देख के भूख रुका ही नहीं और मैं तुरंत ही खाना चालू कर दिया उसे। आप
सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सभी लोगों में से कौन कौन जुधानी माता मंदिर के दर्शन किया है।